Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से शुक्र अल्लाह का, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज बस हम निकलने लगे, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। तो मैं प्रेस मेरी रह गई थी, प्रेस कर रही हूँ जल्दी से अपने कपड़ों पर, अभी अभी नहा कर आई हूँ। बस प्रेस करने के बाद जल्दी से तैयार होंगे, तैयार होके आप सबसे अपनी बहन के सूट पर फेर दो, पजाम पजाम पे फिरेगी। लो अभी दे रही हूँ, पहले कर लो। तो गाइज आप ये सारे काम मुझे पहली बार करते हुए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरी भाभी नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है ना गाइज, इसलिए मुझे खुद करना पड़ रहा है। और लीना तो वैसे ही काम छोड़ रहा है। ये हेल्प लोग मैं अच्छी की थी, मजाक कर दूंगा। लीना तो मेरे बहुत काम करती है, मेरी बच्ची। ये वाली प्रेस जो है ना कपड़े जला देती है, लीना से होती नहीं है, इसलिए मैं खुद कर रही हूँ। पता है ना क्या हुआ था। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए और ये मेरी ड्रेस है आज की। और बस अब हमारी गाड़ी भी आने वाली है, फिर हम निकलेंगे। सारी पैकिंग वगैरह हो गई है और आप मेरा न्यू बैग देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कितना प्यारा लग रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस कहीं वहाँ का बस हमारा एक घंटे का रास्ता है, एक डेढ़ घंटे का रास्ता, इंशाल्लाह हम बस एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा ड्रेस होकर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ, तो यू नो अच्छे से तैयार होकर जाना तो बनता है। तो बस अभी बाहर निकलते हैं, फिर सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था, हर तरफ हरियाली हरियाली, हमने सोचा आपको दिखाएं। और ये गाँव माता यहाँ पर घास खा रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। तो गाइज़ यहाँ हम कुछ खाने पीने के लिए रुके थे और अज़रा आपी ने सोचा कि वो अपने आप को खुद ले लें क्योंकि मैं पीछे बैठी हुई थी, तो वो ऐसे बैक कैमरा करके अपने आप को लेने की कोशिश कर रही हैं, फिर उनका हाथ एकदम से मुड़। तो गाइज़ हमारी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट बीच रास्ते में, लोगों को बचाते बचाते हमारा खुद विनाश हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। फाइनली हम पहुंच गए, अब हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। सो आपने देखा ही कि हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, अल्लाह ने बहुत रहम कर दिया कि किसी को चोट नहीं लगी, हम सब ठीक हैं। सो अभी हम जा रहे हैं फटाफट तैयार होने के लिए, तैयार होके आगे की सारी चीज़ें आपके साथ दिखाते हैं। ओके गाइस, हम जा रहे हैं यहाँ की कासगंज की गलियों में घूमते घूमते। ज़्यादा टाइट हो गया तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ढीला है। देखो गाइस मेरी बहन मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही है बेचारी। इसमें रखेंगे सामान तो सब चला गया, वो वहीं पर ही ले लेंगे ना। दीदी आपकी रही जा रही, किसी ना किसी काम की। हाँ ये, अरे ये छोटी छोटी चीजें काम की है, चले। हाँ चलो मुझे तो फोटो ले लेंगे। तो हमारे आ तो गया सलमान, आ रहा है आइए। तो गाइज़ यहाँ पे फिरोज़ भाई ज़राफ़ी को अंदर लेके जा रहे थे क्योंकि अंदर ही सारा फोटो सेशन वगैरह हो रहा था, क्योंकि दूल्हे दुल्हन का स्टेज अंदर ही था। तो हम फिर वहाँ पर चले गए, फिर आगे जो हमने करा वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो गाइज़ दूल्हे दुल्हन के सामने थोड़ा सिटिंग एरिया था, वहीं पर जाकर बैठ गए थे। अंदर गए फिर हम कुछ लोगों से मिले, अज़राफ़ी के फ़ैन वगैरह मिले, मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खड्डे हो रहे थे और आपको मेरी आवाज़ इसलिए ज़्यादा सुनने को मिली क्योंकि अज़राफ़ी की तबीयत ठीक नहीं है, नज़र वगैरह लग गई थी उन्हें इसलिए वो सो रही हैं, तो मैं ही ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। फिर अज़राफ़ी की फ्लिक्स बिगड़ गई थी, मैंने वो फ्लिक्स सही करी, फिर मैंने आप लोगों को दूल्हे दुल्हन को दिखाया, बस यही हुआ। पानी को याद है, पानी आओ। कितनी प्यारी सी क्यूट सी पानी है, आपने इनकी वीडियोस देखी होगी इंस्टाग्राम पे, ये आज हमें भी मिल गई, हम भी इनके साथ वीडियोस बनाएंगे अभी।
तो गाइज यहाँ पर हम दोनों बहनें आपस में बात कर रहे थे, फिर बानी की दादी आ गई, बानी की मम्मी आ गई, बानी भी आई थी इज़राफी से मिलने के लिए। फिर वो उसकी दादी बोलने लगी कि आप इस बानी के साथ वीडियो बना लेना और कॉलैब कर देना, मतलब यही वाली बातें चल रही थी। फिर हम बैठे रहे, बातें बातें करें, फिर हम खाना जाओ ऊपर जाओ, वीडियो मत बनाओ, जाओ ऊपर साथ में करिए। अब सब में वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। क्यों अब तो म्यूजिक नहीं है। सलमान साहब ठीक है, बस 10 मिनट में खाना खाते हैं साथ बैठ के। ये ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। हाँ बहुत देर से। गाइस ये मेरे भाई प्यारे से जहाँ पे हम आए हैं शादी में। मेरी बहन कहीं आती नहीं है लेकिन आई है। स्पेशल जगह आना पड़ता है, स्पेशल लोगों की बहन है ना, भाई है ना मेरा, इसलिए आना पड़ा। समझ गए, ये मैं नहीं पीती, मेरे लिए थम्स अप लाओ। सो गाइस मुझे वो कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाह रहे थे जो मैंने जिंदगी में नहीं पी, लिम्का, तो मैंने इनको बोला चेंज करके लाओ, अब ये पानी लिया है, स्प्राइट नहीं ले नहीं पीती, मेरे लिए थम्स अप लाओ ना। अरे यार वो है ना, उसे ग्लास पकड़ के लिया, हाँ बड़ी लगी लिया, वजूद देख के काम करो। चटनी होगी, चटनी होगी, चटनी चाट मसाला नींबू और कुछ लो। मैं कहीं नहीं जाता है बिना पूछे, कहीं नहीं निकलता, ऐसी है। बोला कि अगर भाभी आपकी ये नहीं बोलेगी ना कि भाग मत जाओ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। भैया पता अभी गाड़ी में बैठ के उतार दे। हाँ भाई मेरी बीवी ऐसी है, अगर उसने मना कर दिया मैं घर से क्या कदम भाग नहीं निकालूंगा। ऐसी है भाभी, मैं तो इसकी सारी बात मानता हूँ, बोलते रहते बस, मैं जो करना होता कर लेता हूँ। ये बात मानते हैं मेरी नहीं आज, बात तो तुम्हारी मानता हूँ, नो डाउट। हाँ भाई बच्चों का प्यार कहीं नहीं होगा। निकल गए थे, अब हम रास्ते में रुके हैं मैगी वगैरह खाने के लिए, और वहाँ से हॉल से ही हम ना बाहर आके ऐसी गाड़ी में बैठ गए थे। क्यों और लहंगा गाइस में गाड़ी में उतारा और फिर ये पहन लिया वहीं पे। वैसे तो फरोज भाई बहुत हमें फोर्स कर रहे थे कि चलो अजरा चलो घर पे चलो, लेकिन कल जो है शब कदर है, फिर हमारा यहाँ पे इतना ज़्यादा मेस हो रहा है, इतना ज़्यादा मेस फैल रहा है अभी फ्लैट पे, वो हम आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे।
तो बस इसीलिए हमने सोचा कि अब हम जब फ्लैट मतलब अपने यहाँ पे रह रहे हैं तो हम यहीं पर ही शबकदर पढ़े, यहाँ पे भी तो पढ़ाई होनी चाहिए। अम्मी ने भी हमसे बोला शप्पी वगैरह ने कि जहाँ पे तुम अब रह रहे हो वहाँ पे भी पढ़ाई वगैरह करो, तो हम यहीं पे ही शबकदर पढ़ेंगे गाइज। बाकी अफशा का चैनल हाँ आ गया, मुबारक हो आप सबको, अफशा का चैनल आ चुका है। अफशा मैम व्लॉग अपलोड कर रही है अपने चैनल पे। गाइज ज्यादा से ज्यादा उसके चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लाजमी, भूलें नहीं बिल्कुल भी। अभी हमारी मैगी बनने गई हुई है, बन कर आ रही है, मतलब हम आए हैं पास अपने मतलब हम घर पहुंचने वाले हैं, उससे पहले एक मैगी पॉइंट पड़ता है तो हम वहाँ पे मैगी खाने आए हैं मजेदार सी। और गाइज मैं इतना ज्यादा यूं नहीं दिखा पाई क्योंकि जब तक हम पहुंचे थे एक्सीडेंट की वजह से हमें बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया था, फिर तैयार होने में लेट हो गया था और सारा फंक्शन गाइज खत्म हो चुका था। हमने वहाँ पे भाई ने हमारे लिए इतना अच्छा वो करवाया, सारा फरोज भाई ने अलग से हमारे लिए टेबल लेबल लगवाई माशाल्लाह से, बहुत बहुत सब लोग अच्छे थे। अब इंशाल्लाह शबकदर की वजह से हम लोग वापस आ गए, लेकिन हम थोड़े दिन में वापस उनके घर पे जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी रहने के लिए, या फिर हम उनके साथ कहीं घूमने का बाहर प्लान करेंगे, वो तो खैर जो भी करेंगे आपको जरूर शेयर करेंगे। बाकी मैगी आ जाए फिर मैगी दिखाते हैं आपको, मिलती है ना गाइस हमारी मैगी आ चुकी है, ये मेरी ये अलीना की। हम घर आ गए थे, घर आके सारी चीजें हमने उतार दी, रख दी, रख के चेंज वेंज किया। मैं जा रही हूँ शावर लेने रात में क्योंकि मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा चिपक गए हैं, बहुत ख़राब से हो गए, तो मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के मैं बस जाऊँगी टारिक सोने। तो आज हमने जो कुछ किया वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।